जिला सहकारी बैंक शाखा 100 कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारी धरने पर बैठ गए और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन भी किया। बुधवार को जिला सहकारी बैंक के सामने धरने पर बैठे बैंक कर्मचारियों ने बैंक कैशियर व मैनेजर पर कर्मचारियों के कई महीनों से वेतन न देने व परेशान करने का आरोप लगाते हुए अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। बैंक कर्मियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। धरने पर बैठे जिला सहकारी बैंक कर्मचारी प्रदीप ने बताया कि बैंक पर तैनात कैशियर व मैनेजर सभी कर्मचारियों के कई महीनों से वेतन नहीं दे रहे हैं, धमकाते हुए गुंडई से पेश आता है, साथ ही ग्राहकों से भी बदसलूकी करते हैं। वहीं एक अन्य कर्मचारी ने बताया कि कैशियर उनकी तनख्वाह समय से नहीं देता, जब वो कैशियर से तनख्वाह की बात करते हैं तो वो बदसलूकी करता है और साथ ही तनख्वाह भी नहीं देता, जिससे परेशान होकर संबंधित उच्च अधिकारियों से भी कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, मगर अभी तक उनकी तनख्वाह नहीं मिली है, जिससे परेशान होकर बैंक कर्मी काम बंद कर हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो इसी तरह हड़ताल पर रहेंगे। मेरा नाम है प्रदीप। क्या समस्या है आपको? हमारा वेतन 3 तारीख को दिया था ट्रांसफर करने के लिए, बैंक वाले ने ट्रांसफर नहीं किया। आज 14 तारीख गई, मांग भी गई तो ट्रांसफर ना करो, अभी नहीं है वेतन। पानी बार दिखवा ऐसी करके काट रही है। मैनेजर और कैशियर क्या कहते हैं? वो अभी नहीं कर रहे ट्रांसफर, अभी हम पर फुर्सत नहीं है। तो उच्च अधिकारियों को बताया आपने? बताया खूब, मैनेजर साहब थे उसने, कोई समाधान नहीं हुआ। आज तक वेतन मिले ना? आज तक वेतन मिले ना? क्या मांगे आपकी? हमें वेतन की मांग, और क्या मांगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेत्रपाल सिंह है, मैं अंकित सिंगापट्टी पे हूँ। हमारा वेतन खाते में वेतन हो जाता है जब हम अध्यक्ष महोदय सचिव महोदय के आदेश से और चेक से हम बैंक में देते हैं चेक, और वो हमारा बैंक स्टाफ हमारे वेतन खाते में उसको ट्रांसफर करता है, उसके बाद हम अपना पैसा निकालते हैं। अभी दिनांक 3/9/22 में हमने एक चेक दिया था अध्यक्ष सचिव महोदय के हस्ताक्षर करवा करके, तो हमने बैंक स्टाफ को दिया था, और डीपी देवेंद्र प्रताप है शायद उनका नाम, डीपी हैं वो कैशियर, उनके लिए मैं दिया था। तो बोले आज नहीं भैया, मैं कल कर दूँगा, मैं कोई बात नहीं कल कर देना, हम सोमवार को ले लेंगे। जब हम सोमवार नहीं मंगल बुध में आए 5-6 दिन बाद, तो हमने विड्रॉल मैंने विड्रॉल भर के दिया था तुम्हें भैया 9,000 रुपये। तो बोले देख करके बोले तुम्हारे वेतन खाते में पैसा कहाँ, 17-18 से मैं भैया वेतन खाता ट्रांसफर कर दिया होगा तुमने। बोले वो अभी तो तुमने लिया था 4-5 दिन पहले, मैं दोबारा फिर हो गया है। तो भाई जब हम आपसे जब वेतन खाते में हमारे में पैसा है तो हम लेंगे। तो बोले कि तुमने मुझको नहीं दिया, अरे मैंने खिड़की पे दिया। तो बोले खिड़की में तो मैंने आग लगा दी, ये बोले आग लगा दी। तो मैं भैया क्या हम तुम्हारी खुशामद करें, क्या तुम्हारे पैरों में तेल लगाएं? हम कोई अपने खाते में जब वेतन है तो उसे मांग रहे हैं, तो मैं देने में क्या दिक्कत है? बोल नहीं मैं नहीं देता। शाखा प्रबंधक के लिए, शाखा प्रबंधक महोदय उस टाइम पे थे और बैंक स्टाफ भी था, किसी ने ये नहीं कहा कि तुमने इनके लिए वेतन, आज तक हमारे वेतन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो इस वजह से हम धरने पे बैठे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। जब हमको वेतन नहीं मिलेगा हम काम क्यों करेंगे? ये है हमारी। धरना कब तक चलेगा? ये धरना जब तक चलेगा जब तक हमारे वेतन ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, इनके खिलाफ कार्रवाई, हमारा ऐसे हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मांग है आप? हमारी मांग ये है कि ऐसे कर्मचारी यहाँ से हटाए जाएं जो जनता के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं। जब हमारे साथ में हम रात हर समय बैंक के साथ में, और बैंक के साथ में हमारे साथ में ये व्यवहार हो रहा है, तो हम किसान के साथ में और आम कस्टमर के साथ में ये क्या व्यवहार है? हम खुद देखते हैं इनका व्यवहार कस्टमर के खिलाफ ऐसा है कि उससे सही तरीके से बात ही नहीं करते हैं। इनको काफ़ी दिन हो गए और ये कहते हैं हम तो बहुत रसूखदार हैं, हमारा कुछ क्या रहेगा। एक आध बार अध्यक्ष महोदय के जो हमारे विधायक जी हैं उनका भी यहाँ पे इनसे फोन आया था, तो ये कह रहे थे हम तो जो है मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते हैं।